गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज ब्लॉग का दूसरा दिन था और मैं जल्दी भी जग गई थी, मतलब 2 बजे जग गई थी। तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं पढ़ ही लूँ। तो फिर मैंने पानी वानी पिया, लाइट वाइट ऑन की और मैं पढ़ने बैठ गई। सुबह के 6 बज चुके थे और अब मुझे नींद आना स्टार्ट हो रही थी और मुझे नींद इतनी तेज आ रही थी कि मेरे से अब पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत फ़ोन चला लूँ, रील्स वगैरह देख लूँ, तो शायद उसमें नींद उड़ जाए मेरी। तो फिर मैंने फ़ोन स्टार्ट कर लिया। तो अब आ रही थी रूम की साफ सफाई की, तो सोचा मैं अपना बेड सेट वेट कर लूँ, फिर मैं ब्रश व्रश करने जाऊँगी। तो मैं रूम की साफ सफाई करने में लग गई और फिर मैं कोलगेट करने के लिए निकल गई। तो ब्रश करने पहुँची, ब्रश व्रश किया और मुंह मुँह धुला, तो सोचा अब चाय पी लूँ क्योंकि चाय नहीं पीऊँगी तब तक नींद खुलेगी। तो वहाँ से सीधा किचन में गई और खुद के लिए चाय बनाने रख दी। किस किस को चाय बनानी आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखना, और किस किस की बिना चाय की नींद नहीं खुलती वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मेरी चाय बिना नींद नहीं खुलती, तो सबसे पहले मेरे को चाय बहुत ज़रूरी है। तो खुद के लिए चाय वाय बनाई और चाय का टेस्ट वाओ। फिर गया था सीधा चाय ली और बैठ गए अपने पढ़ने के लिए, जो हमारा डेली का काम है। फिर वहाँ से पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म की, चाय ख़त्म की और सीधा चल दिए नहाने के लिए। अब आती है सबसे डिफ़िकल्ट काम की बारी, जो लड़कियों का कपड़ा डिसाइड करना होता है। अब मैंने कपड़े डिसाइड किए और नहाने निकल गई, सीधा नहा धोकर आई और बाल कॉम किए। बाल कॉम करने के बाद सीधा बैग में नोटबुक्स वगैरह रखी क्योंकि मैं लेट हो रही थी और मैं 8 बजे कोचिंग निकल जाती हूँ। तो नोटबुक्स वगैरह रखे और अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ़ोन तो भूल ही जा रही थी, तो फ़ोन रखा और चल दी। और मेरी छोटी सिस्टर मेरे से बाय कर रही थी, उससे बाय बाय की और निकल गई। तो मैं कोचिंग से आ गई थी, बाल बाल बांधे और पानी पीने चली गई। पानी पीने के बाद मैंने सबसे पहले अपना लोअर चेंज किया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं इतना लेट हो रही थी कि मैं कोचिंग में आज बोतल ही नहीं ले गई। मैं डेली लेके जाती हूँ तो मैं कोचिंग नहीं ले गई और इतनी परेशान हो गई थी। तो मैंने थोड़ा रेस्ट करने के बाद मम्मी ने बोतल भरने का काम दे दिया, मैंने बोतल भर दी। बोतल भरने के बाद मेरे सर में इतनी तेज़ दर्द हुआ, मेडिसिन खाने के बाद भी मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ। तो मैंने ब्लॉक को भी यहीं ख़त्म कर दिया और मैं सीधा सो गई और मेरे दर्द बिल्कुल ठीक होने पर का नाम नहीं ले रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।